नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मयंक शेखर सेलेक्टेड कैंडिडेट इन फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बैच 2020 और आप सभी दोस्तों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल सिलेक्शन मेंटर पे जहाँ पे हम पर डे आप सभी के साथ वोकेब्लरी का पंचनामा लेकर आते हैं और आज हमारा एट्थ क्लास है जहाँ पर हम पर डे आप सभी के साथ पाँच वोकेबलरी वर्ड्स का डिस्कशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में किया करते हैं आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हो ये उसका लिंक है जहाँ पे किसी भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन कोई भी अपडेट्स आपको मिलता रहेगा आप चाहो तो आप हमारे मेंटर अंकुर शर्मा सर के साथ कांटेक्ट कर सकते हो या फिर आप हमारे मेंटर विराट दुबे सर के साथ भी कांटेक्ट कर सकते हो और आपके मन में जो भी क्वारी है एग्जामिनेशन से रिलेटेड आप उनको पूछ सकते हो उनके साथ डिस्कसन कर सकते हो आइए बढ़ते हैं अपने पहले वर्ड की तरफ जो कि है आज का हमारा हॉरेंडस इसका हिंदी में अर्थ होता है खराब आप इसके सिनोनिम्स को भी लिख सकते हो एंड दीज आर फर्स्ट ग्रीसली सेकेंड वन इज ग्रूसम थर्ड वन इज हैरोइंग फोर्थ वन इज ऑफुल एंड द लास्ट वन इज हॉरिड आप इसके एंटोनिम्स को भी लिख सकते हो एंड दीज आर फर्स्ट ब्यूटिफुल सेकेंड वन इज डिलाइटफुल थर्ड वन इज फॉर्चुनेट एंड द लास्ट वन इज गुड आइए दोस्तों हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं जैसा कि यहाँ मैंने लिखा है द सिचुएशन इन दिल्ली ये दिल्ली का कोरोना वायरस के समय का पीक है The situation in Delhi is horrendous, horrific and pathetic," said the Supreme Court. इसका हिंदी में अर्थ हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली की जो स्थिति है कोरोना वायरस वाली वो खराब बहुत बेकार और दयनीय है आई होप दोस्तों ये वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा आइए बढ़ते हैं अपने सेकेंड वर्ड की तरफ जो कि हमारा फीजिबल सॉरी सेकेंड जो वर्ड है हमारा दैट इज फीजिबल इसका हिंदी में अर्थ होता है संभव आप इसके सिनोनिम्स को भी लिख सकते हो एंड दीज आर फर्स्ट पॉसिबल सेबल थर्ड वन इज प्रैक्टिकेबल फोर्थल आप इसके एंटोरबल अनकेबल एंड द लास्ट वन इज इम प्रैक्टिकेबल आइए दोस्तों हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है कपिल देव ये हमारे कपिल देव जी हैं कपिल देव सेट दैट्री मैच ओडीआई Between India and Pakistan to raise funds to fight against coronavirus is not feasible. इसका हिंदी में अर्थ हुआ कि कपिल देव जी ने कहा कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो धन जुटाने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला होने वाली थी वो अब संभव नहीं है आई होप दोस्तों ये वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा आइए बढ़ते हैं अपने तीसरे वर्ड की तरफ दैट इज प्री कैरियर्स प्री का हिंदी में अर्थ होता है अनिश्चित लेकिन बहुत सारे लोग इसको खतरनाक भी कहते हैं तो खतरनाक भी आप कह सकते हो या फिर एक तरह से अनिश्चित भी कह सकते हो आप इसके सिनोनिम्स को भी लिख सकते हो एंड दीज आर फर्स्ट डेंजरस सेकेंड वन इज इनसिक्योर थर्ड वन इज अनसर्टेन फोर्थ वन इज रिस्की फिफ्थ वन इज अनस्टेबल एंड द लास्ट वन इज डाउटफुल आइए दोस्तों हम इसका एंटोनिम्स भी देखते हैं जैसा कि पहला लिखा हुआ है सिक्योर सेकेंड वन इज सेफ थर्ड वन इज स्टेबल एंड द लास्ट वन इज सर्टेन आइए दोस्तों हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है एयर इंडिया सेड दैट द एयरलाइन हैज पासिंग थ्रू अ कंडीशन इसका हिंदी में अर्थ हुआ कि एयर इंडिया ने कहा कि एयरलाइन खतरनाक या अनिश्चित वित्तीय स्थिति से गुजर रही है आई होप दोस्तों वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा आइए बढ़ते हैं अपने चौथे वर्ड की तरफ दैट इज इम्पेडिमेंट इसका हिंदी में अर्थ होता है बाधा आप इसके सिनोनिम्स को भी लिख सकते हो एंड दीज आर फर्स्ट

खबरों के प्रसार को केंद्र ने कोविड नाइन्टीन महामारी से लड़ने में सबसे बड़ी बाधा के रूप में पहचाना है आई होप दोस्तों ये वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा आइए बढ़ते हैं अपने लास्ट वर्ड की तरफ दैट इज अनकॉन्सनेबल इसका हिंदी में अर्थ होता है अत्यंत या आप कह सकते हो हद से ज़्यादा ठीक है हद से ज़्यादा भी आप इसको कह सकते हो या अत्यंत भी कह सकते हो आप इसके सिनोनिम्स भी लिख सकते हो एंड दीज आर फर्स्ट एक्सेसिव सेकेंड वन इज एक्सट्रीम थर्ड वन इज इनऑर्डिनेट एंड द लास्ट वन इज इमोडरेट आप इसके एंटोनिम को भी लिख सकते हो एंड दीज आर फर्स्ट रीजनेबल सेकेंड वन इज एक्सेप्टेबल थर्ड वन इज मॉडरेट एंड द लास्ट वन इज मिडलिंग आइए दोस्तों हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं जैसा कि यहाँ मैंने लिखा है सीताराम येचुरी ये हमारे सीताराम येचूरी जी हैं सेट दैट गवर्नमेंट्स रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड करोर विस्टा प्लान इज अनकॉन्सनेबल एंड शुड बी स्क्रैप्ड इसका हिंदी में अर्थ हुआ कि सीताराम येचुरी जी ने कहा कि सरकार की बीस हजार करोड़ रुपए की सेंट्रल विस्टा योजना जो है वो अत्यंत है यानी वो हद से ज़्यादा है और इसे कम कर देना चाहिए सो आई होप दोस्तों ये पांचों वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और आपका जो भी मन है आप इस पर कॉमेंट कीजिए थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विथ अस एंड प्लीज़ ट्राई टू सपोर्ट आवर चैनल सिलेक्शन मेंटर हैव अ गुड डे एंड बाई